दोस्तों नमस्ते। हाँ जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है देहरादून आके? बहुत बढ़िया, मायके का आनंद ही कुछ और है। तो चलो चलते हैं, आपको घुमा के लाते हैं एक और जगह। जूली आजा, जूली कहाँ है तू? ले 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 ले, गेट खुलते ही आ गई तू अंदर है? हाँ हाँ अभी आ रहे हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। रजनी ज्वेल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे घर आई है हमारी नंद, तो जा रहे हैं उनको लेके थोड़ा घुमाने। और पहुंच गए इधर दून यूनिवर्सिटी, और इधर से आगे है उनका प्लॉट, तो वही उनको दिखाने जा रहे हैं। तो बस पहुंचने ही वाले हैं, और कुछ दिन हम भी उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। इधर उधर घूमना फिरना हो रहा है, तो इसीलिए वीडियो भी नहीं आ पाए इतने दिनों से। और ये इलाका बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। सामने जंगल है पूरा, पहाड़ भी है, और बहुत ही अच्छा लगता है इधर। पाव कितने लगा रहे पाव? लगा है तो नहीं क्या? जो आप सोच रहे थे वो हो गया गड़बड़ हैं। जो आप लोग सोच रहे थे वो यहाँ गड़बड़ हो गया। नहीं निकाल दो, पहले निकाल दो। ये इसके जैसे ये कहा है हैं, मेरी चार दीवारी के वैसे और ये कौन है जब कार आला तो ये कार आला, हम गाड़ी खड़े और तुम कल गाड़ी खड़े है ना, दो लोगों का आला। ये है जी बहुत सुंदर जगह है, सामने जंगल है, ये देखिए आप। और ये है प्लॉट, और ये है हमारी नंद का। तुम थे उच्च करण पड़ल, ये किसी ने बना रखा है अपना घर, और इसमें बनी है राधा कृष्ण की मूर्ति। बहुत खूबसूरत शांत एकांत इलाका। बहुत बढ़िया बढ़िया मकान चीनी तो खूबसूरत घर। देखो कितना अच्छा लग रहा है पीपल का पेड़। और ये है अगला दिन, ये है जी ग्रह वगैरह की बिल्डिंग, और यहाँ आए हुए हम आज ये। और बिल्कुल ये दीवारें मिली हुई है यहाँ, यहाँ से कूद के जाओ कॉलेज में, कूद के आओ घर। अरे तो जय कॉल है वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही भीतर चल गया सड़क। ये पूरा ग्राफिक एरिया का एरिया। हरपल छोड़ के आ छो, ये रोड को नहीं खड़े वही तरफ भी रोड को ही तरफ भी हॉस्टल छी अच्छा पूरा ग्राफिक एरिया का एरिया है ये, ग्राफिक एरिया का एरिया। ओसो अच्छा, ये है ओशो की बिल्डिंग ये वाली, और बाकी सब और ही। ये क्लेमेंट टाउन है, और यहाँ से मसूरी, और इधर भी ग्राफिक एरिया। ये लोग बीच में गिर गए हैं, लोग बहुत पहले से बसे हुए हैं यहाँ, और ग्राफिक एरिया ने पूरा चारों तरफ ग्राफिक एरिया हो गया। ये बिल्डिंग देखिए आप कितनी ऊंची है, और ये हैं दोनों देवरानी जिठानी। ये कल मुलाकात करवाई थी हमारी सबसे छोटी नंद, और उनकी देवरानी है, और ये हम उनके घर में आए हुए हैं। कोई बात नहीं जी, ये घरेलू चैनल चो।
इतनी फोटो खींच रहे हैं सामने, ओहो रील बना रहे लग रहा है। हाँ ये तो मिल दिया खची हुए थे ना, ये फॉरनर फॉरनर हैं यहाँ पे, ये वहाँ से पढ़ने आए हुए हैं ग्रेफिकेरा में। ये देखो जी इनकी बागवानी, कद्दू की बेल, बीन्स, और ये जो पौधा है ये पूजा में चढ़ाया जाता है ये। चल निधि हेलो करो हमारे दोस्तों के लिए, हेलो। और निधि हमारी भांजी है, और ये अब पढ़ाने लगी है, पहले इसने पढ़ाई की और अब बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है ना। कैसे हैं बच्चे, प्यारे बच्चे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई सब में बहुत तेज है हमारी भांजी है। और साफ सफाई देखो क्या बढ़िया सजा रखा है घर, और बच्चों को भी पढ़ाती है। जिसको ट्यूशन लेना है निधि से आ जा लेने ट्यूशन। बाय बेटा, आना हाँ, ओके चलो। तो अब आ गई थी मैं घर, और एक दो पौधे मैं वहाँ से भी लाई थी तो वही लगा रही हूँ, फिर नहीं तो ये सूख जाएंगे। तो बस इनको लगाने के बाद फिर मैंने एक कनेर का पौधा भी लगाया था, जो हाइब्रिड वाला पौधा है वो। और ये है यहाँ पे जो मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, तो वो भी अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने कनेर का पौधा, एक कनेर का पौधा भी लाई थी मैं, वैसे एक पौधा था मेरे पास लेकिन वो अभी थोड़ा हुआ नहीं है उस पर कुछ, तो ये मैं हाइब्रिड वाला लाई हूँ, तो ये पौधा लग गया है। तो कुछ पौधे और लाई हूँ दोस्तों, बाद में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, कैसी लगी बताना और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।